चाइना ने इहांग नामक एक कंपनी जो कि AA20 यानी ऑटोनोमस एयर व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, उसकी ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी को कमर्शियल यूज के लिए ऑफिशियली मंजूरी दे दी है। इस ड्रोन टैक्सी ने 2017 से अब तक लगभग 4000 फ्लाइट टेस्ट की हैं। इसमें दो यात्री 130 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। वीडियो में बने रहें क्योंकि अब फ्यूचरिस्टिक फ्लाइंग कार का नजारा देखने वाले हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंफोसिस चैनल में। चाइना के ग्वांगझोउ बेस्ड कंपनी इहांग को अपने फुल्ली ऑटोनोमस ड्रोन EH216S AAV यानी ऑटोनोमस एयर व्हीकल के लिए सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना से सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ये सर्टिफिकेशन इहांग को अन्य देशों में भी इसी तरह के सर्टिफिकेट हासिल करने में सक्षम बनाएगा। इहांग जिसकी वैल्यू $1 बिलियन है, अगले साल तक इंटरनेशनल एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रहा है और उनका ये विजन है कि अगले 5 सालों में एयर टैक्सीज कई शहरों में कॉमन हो जाएंगी। बात करें इहांग ड्रोन टैक्सी की तो ये अनमैन्ड फ्लाइट टेक्नोलॉजी रियल टाइम कनेक्टिविटी के साथ स्मूथ और रिलायबल ट्रैवल ऑफर करती है, यानी इसे रिमोटली ऑपरेट किया जाता है और इसमें कोई पायलट की आवश्यकता नहीं होती है। ये ह्यूमन एरर्स के कारण होने वाली समस्याओं को खत्म करता है जिससे पैसेंजर्स कंट्रोल की चिंता के बिना आराम से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। ये रूट्स की पहले से जांच करते हैं और बैकअप प्लान्स तैयार रखते हैं। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बेस्ट ऑल्टरनेटिव रूट पर स्विच हो जाता है। इहांग के पैसेंजर कैरिंग UAVs कंट्रोल सेंटर के साथ फास्ट कम्युनिकेशन के लिए 4G या 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं जिससे रिमोट कंट्रोल और रियल टाइम फ्लाइट डेटा अपडेट्स सक्षम होते हैं। इसके लिए बड़े हवाई अड्डे या रनवे जैसे ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है जिससे ये अर्बन एयर मोबिलिटी के लिए आइडियल है। इससे ट्रैफिक कंजेशन को इफेक्टिवली कम किया जा सकता है। इहांग AAV एमिशन के कारण होने वाले एनवायरमेंटल नुकसान को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर को यूज करता है। एयरक्राफ्ट 2 घंटे में पूरी तरह से चार्ज हो सकता है। चार्जिंग डिवाइस एयरक्राफ्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपनी बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ EH216S मैक्सिमम 650 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है और इसकी टॉप स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। इसकी मैक्सिमम फ्लाइट ड्यूरेशन 30 मिनट है, यानी कि ये उन सर्कमस्टेंसेस में सबसे ज्यादा यूजफुल है जैसे कि पहाड़ी और दुर्गम इलाके या भीड़ भाड़ वाले शहरों में हाई राइज रूफटॉप से, जहां ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट ट्रैवल टाइम को सिग्निफिकेंटली कम करके करंट ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस को बेहतर बना सकते हैं। इहांग के EH216 AAV ने 17 फरवरी 2023 को जापान में अपना पहला पैसेंजर कैरिंग ऑटोनोमस फ्लाइट डेमोंस्ट्रेशन को पूरा किया। इस उड़ान को जापान के मिनिस्ट्री ऑफ लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म द्वारा अप्रूव किया गया था। हालांकि मई 2020 में सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने इहांग को अपने 2-सीटर पैसेंजर ग्रेड AAV इहांग 216 के लिए एयर लॉजिस्टिक पर्पसेस के लिए पहला कमर्शियल पायलट ऑपरेशन अप्रूवल प्रदान किया। इसने इहांग को 150 किलोग्राम या उससे अधिक के भारी भरकम एयर लॉजिस्टिक उपयोगों के लिए कमर्शियल पायलट ऑपरेशंस के लिए नेशनल एविएशन अथॉरिटी से अप्रूवल प्राप्त करने वाली पहली AAV कंपनी बना दिया। इहांग 216 को क्यूबेक कनाडा में टेस्ट फ्लाइट्स के लिए ट्रांसपोर्ट कनाडा सिविल एविएशन से एक स्पेशल फ्लाइट ऑपरेशन सर्टिफिकेशन भी मिला है। 7 फरवरी 2024 को कंपनी ने अनाउंस किया कि उनकी EH216S मॉडल जो कि पायलटलेस पैसेंजर कैरिंग eVTOL है, eVTOL यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट, ये ग्लोबल मार्केट में 1 अप्रैल 2024 से $410,000 यानी करीब 3,43,00,000 में खरीदारी के लिए उपलब्ध है। चूंकि ये व्हीकल पायलट की आवश्यकता के बिना पैसेंजर को ले जा सकता है, इसलिए ये इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लॉजिस्टिक्स, इमरजेंसी एंड सिविल सर्विस और मिलिट्री फ्लाइट्स जैसे एवैक्यूएशन ऑपरेशंस जैसे क्षेत्रों में नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खोलता है। उदाहरण के लिए ये पायलट के जीवन को जोखिम में डाले बिना खतरनाक क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित रूप से बचाने और निकालने में मदद कर सकता है, जहां पहुंचने के लिए पायलटों को अन्यथा अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। सो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस ड्रोन टैक्सी के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।